मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास में स्कूली बच्चों के साथ जन्म दिवस मनाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 201 दीपों को प्रज्वलित किया और बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन बच्चों को भी वह सारी सुविधाएं मिली जो आम बच्चों को मिलती है, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। वहीं शिक्षा निदेशक वंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था, यहां पढ़ने वाले सभी छात्रों को मुफ्त छात्रावास की सुविधा मिलेगी। इसके लिए अभी तक 9 से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए नया छात्रावास जल्द बनकर तैयार होगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। छात्रावास में इस वर्ष के पहले दिन भी आया था। बच्चों को देखकर मेरे अंदर भी एक बचपन है नीचे और स्मरण आता है और कहीं ना कहीं इन्हीं स्थितियों में हम सब भर्ती हैं और निजा प्राप्त होती है और इनके बीच में आने का यह भी उद्देश्य रहता है क्योंकि ये एक ऐसे समाज से निकले हुए बच्चे हैं जो समाज का अंतिम छोर है। इन बच्चों को सभी सुविधाएं मिले। देखिए, नए वर्ष पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे और उस समय उन्होंने ये घोषणा किया था कि 9 से 12 तक के बच्चों के लिए भी हम यहाँ पर छात्रावास की व्यवस्था करेंगे। ये 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है। इसके सामने आप देख रहे हैं कि 9 से 12 तक के जो छात्रावास बच्चों के लिए भी छात्रावास हम लोगों ने बनाने का काम शुरू कर दिया है। और निश्चित रूप से देखिए, बच्चे जो यहाँ रहते हैं, इनकी जो नैतिक शिक्षा है, जो अपनी पाठ्य पुस्तकों के सिलेबस के अनुसार जो शिक्षा है, इसके अलावा जो अतिरिक्त गतिविधियाँ हैं, आप देखेंगे संगीत हो, नृत्य हो, पेंटिंग का, हैंड राइटिंग में हम लोग खासा फोकस करते हैं।